तो गाइस जिस बात का डर था वही हो गया। राहुल के मम्मी पापा घर आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास। चिड़ी वाली वाली सेम फीलिंग आ रही है मेरे को। यहाँ पे जेड खोके उठे ओली नहीं पुत्री जोई चलना चाहिए था ना पहले इसको लेके आने। मेरे को कुछ को नहीं मालूम था। नो नो ओला ये पागल हो गई है नया डॉग देखकर। चलो चलो उधर जाओ। ये भी जोई तू भी रुक जा थोड़ी देर। तुझे क्या हो रहा है? बबे मेरे ऊपर से हट। देखी जा रही है। हाँ कौन आया है? और धीरे धीरे इनका एक पैक बन जाएगा और ये सारे एक अच्छी हैप्पी फैमिली रहेंगे, है ना। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल लमितोलॉजी। और हम लेकर जा रहे हैं जोई को वैक्सीनेशन के लिए। इसकी बेसिक वैक्सीनेशन लगी हुई थी लेकिन हम बूस्टर शॉट्स लगवाने जा रहे हैं जिससे मेनली पार्वो डिस्टेंपर और बाकी फेटल डिजीजेस का खतरा खत्म हो जाता है। तो ये बैठी हुई है पापा जी की गोदी में। जोई लाड़ो ओ नोनी आ जा मम्मा पास। देखो तो कैसे देख रही है ये ना सीधा टंग मारती है। कल से ना मेरी टंग को भी ना 10 बार लिख कर चुकी है। एक बार तुमने याद है कहा था कि जो डॉग अपनी टंग से तुम्हारी टंग लिख कर ले वो बड़ा लॉयल हो जाता है। ये सिर्फ बिलीफ ही है ना। चलो जोई मामा पास आ जाओ पापा ड्राइव करेंगे। चलो आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ठीक है जोई फिर चलते हैं। इंजेक्शन लगेगा मेरे बेटे को आज, है ना। बैठ गई अच्छे से? हाँ बैठ गई। देख लो मुझे ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है। याद है हम पिछले साल 2022 में मार्च का ही टाइम, मार्च की फरवरी का टाइम था, हम लेडी ओली को लेके आए थे, है ना। लेडी ओली वाली सेम फीलिंग आ रही है मेरे को। मतलब लड़कियों की बात अलग ही होती है। देखो कैसे कैसे ये देखो ये देखो ये देखो की मम्मा क्यों शाउट कर रही है। गोद से छूट छूट के ना यहाँ पे नीचे बैठने की पहले जिद करी है, अब उसके बाद ना यहाँ से खड़ी हो गई है। पता नहीं ये जोई मैडम चाहती है क्या। ढूंढ रहे हो आप? आपको चिच्छु तो नहीं आया? शिशु तो नहीं आया? गाड़ी में नहीं करते शिशु? चलो यार आ तो गए, पहुँच तो गई। ये कहाँ फंस गई है? आजा। ये कहाँ फंस गई है? जोई तू तो बहुत शैतान है, रेडियो वाली से भी ज्यादा शैतान निकली तू तो। चल कर लो ये नीचे ही ना गिर जाए। हाँ मार सकती है, बहुत शैतान हो रही है ये। देखो कैसे तुम्हारे ऊपर चढ़ गई है। देखो इसका वेट आया 5 किलो। 5 किलो? हाँ तो सही बताया था कल तुमने 5 किलो। अभी ये कौन सी वैक्सीन लगा रहे हो राहुल यहाँ पे? 9 मिनट। कौन सी कंपनी की दे रहे हैं? Benzard. तो पहले की तो मेगा वैक की लगी हुई है। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैडम जी को यहाँ पे जोई मैडम को लग चुकी है इंजेक्शन और थोड़ा सा वाया वाया करी थी, बट हमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं था क्लिनिक में तो नहीं बना पाए। बट आप उसके चेहरे से ही देख लो एकदम से ना झोंप गई है, उदास हो गई है, क्या हो गया। बट बेटा दिस इज फॉर योर सेफ्टी, जरूरी होती है ठीक है ना। पैकेज बनाने वाले पूरा वैक्सीनेशन का और उसके अकॉर्डिंग उसमें सारी डेट्स वेट्स भी बताई होंगी किस हफ्ते में आपको कौन सी वैक्सीनेशन के लिए लाना है, डीवॉर्मिंग का करेक्ट टाइम कौन सा होगा। बहुत जरूरी है चीज। 3800 का पूरा पैकेज हमें मिल रहा है और उसमें सारी वैक्सीनेशन पूरे साल की कवर होगी। तो ये ना बिल्कुल राहुल की गोद में ना ऑलमोस्ट गियर के पास बैठी हुई है। मैंने 10 बार कोशिश कर ली अपनी गोद में लेने की लेकिन नहीं आ रही हूँ, यहीं बैठी हुई है गाड़ी चला रही राहुल के साथ। तुम तो इसको मेरे लिए लाए थे, अब तुम कह रहे हो इसके अल्फा तुम बनोगे। हाँ ये तो है, मैं उसको जबरदस्ती थोड़ी फीलिंग्स दिलाऊंगा। चलो देखते हैं आगे जाके, आराम से सो, टाइम विल टेल। तो गाइस जिस बात का डर था वही हो गया। राहुल के मम्मी पापा घर आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास अपने घर से और अब जोई कहीं उनसे टकरा जाए, वैसे बताना तो है ही उनको लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मैंने आपसे काफी लोगों से बहुत सारे सजेशन मांगे थे कि कमेंट में बताना कि पेरेंट्स को कैसे मनाए, तो कोशिश करते हैं अभी हम लोग। पहले उनको पानी वानी पिलाती हूँ, वो उस रूम में बैठे मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही। और राहुल इतना गंदा है वो ना जाके बाथरूम में बैठ गया, जान के ना ऐसे टाइम पे ही ना बाथरूम करने चला जाता है जहाँ पे ना क्रिटिकल वाला टाइम होता है। अब आएगा 10-15 मिनट, तब तक मेरी क्लास पे लाई होगी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जेड खो के उठे ओली नहीं पुत्री जोई जोई और आते ही हाँ जोई और आते ही जोई के साथ अपना लग गया। और जोई अपना ये वाला चूटा हमने लेडी वाली और पप्पी के लिए लिया था लेकिन यूज कर रही है जोई, इससे इसका टाइम पास हो जाता है पूरी रात। ये वो चू करती रहती है, इसमें राहुल ने ट्रीट्स भी भरे हुए हैं तो इसको खुशबू आती है और ये इसके साथ लगी रहती है, प्ले करती रहती है। तो चलते हैं जरा दूसरे रूम में, देखते हैं जे की दादी दादी हमें अप्रिशिएट करते हैं या डिप्रिशिएट करते हैं। जोई ये जोई ना पता क्यों एक्साइट हो रही है, क्योंकि ना अरे आपको जोई के बारे में पता ही नहीं मम्मी पापा। अरे ये क्या ले आए हो?
मम्मी न्यू डॉग पपी। ये तो बहुत गलत हुआ था बेटे, कितने डॉग्स लाओगे? हेलो घर में, हेलो क्या बोल रहे, पहले ये दो लाए थे तो मैं इतनी परेशान हूँ। दादी को नमस्ते कर, दादी को नमस्ते कर। पहले पापा तुम्हारे दो दिन तुमसे बात नहीं की, आप देखो तो सही कितनी प्यारी है। क्या करूँ बेटा, घर में कितना छोटे बच्चे हैं, कितनी परेशानी हो जाएगी, और इतना खर्चा अलग होता है बेटे इनका, इनको पालना कोई आसान काम है बेटे? कर दो बेटा, नहीं बेटा नहीं ऐसा ना करो, तुम तो इतने सारे डॉग तुमने, और पहले पापा इतने परेशान थे। आप बताओ कैसी लगी आपको? नहीं ऐसे तो ठीक है, इट्स ब्यूटीफुल दैट वे, बट घर में रखना ही ये प्रॉब्लम। ओली ओली ले आया पापा, मेरे को भी नहीं पता था राहुल ले आया अपने आप। बहुत गलत बात है बेटा, पूछता भी नहीं वो, पहले भी नहीं उसने पूछा था, और पापा ने दो दिन बात भी नहीं की। अब तो अगली जनरेशन आ गई, आप लोग थोड़ी मानेंगे मेरा कहना। ऐसे मत बोलो पापा, सारी बात तो मानते हैं आपकी, मानते हैं तो फिर पूछना चाहिए था ना पहले इसको लेके आ रहे हैं। मेरे को कुछ को नहीं मालूम था। चलो आप ठीक है, आप तो ले आए तो रखो, अच्छी तरह रखो ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप तो नाराज नहीं हो? नहीं मेरे को तो है, पहले दो को इतना मुश्किल हो रहा था बेटे पालना उनको, और एक ये तीसरा और ले आए हो। कोई बात नहीं, ऑली दूर रहे अभी उससे, अभी उसकी वैक्सीनेशन आज ही कराइए बेटा। बग्जी काम, बग्जी आप देखो तो सही, लेडी ऑली और बग्जी कितने खुश हैं। नहीं इनसे तो हमने फिर एडजस्ट कर लिया, और तुम्हें दूसरे घर में भेज दिया कि पाल लो आराम से, और तुसी और चुकी आए हो। ये इतना बड़ा डॉग बनेगा, ये देखो जरा, ये तो प्यार से आपको लगा, प्यार तो ठीक है मम्मी, मम्मी ने इसको पिछले जन्म का देखो कुछ देना होगा। नो नो ओला, और भाई साहब ऐसे नहीं संभल रहे, चलो कोई राहुल को बुला दो, देखना कैसे कर दी ओला उसके ऊपर चढ़नी। पपे कौन आया ओला, कौन आया ओला जी, कौन आया देखो तो सही, कौन आया? ओ ओला चलो पीछे चलो चलो, तुम तो ना ओला तेरी हरकतों की वजह से ना इसको वापस भेजना पड़ जाएगा। हाँ चलो नीचे, चलो नीचे राहुल जल्दी आओ यार, यहाँ पे सारे चढ़ गए हमारे ऊपर। चलो चलो उधर, चलो उधर। अरे यार ओला बिना वैसे ना, चलो ये पागल हो गई है नया डॉग देखकर। चलो चलो उधर जाओ, ये भी सोए, तू भी रुक जा थोड़ी देर, तुझे क्या हो रहा है? बबे मेरे ऊपर से हट, पीछे हो जाओ, चलो पीछे। ये कैसे एक्साइट हो रही है दूसरे को देख के। राहुल जरा पंछी को बुलाओ, चलो बब्बे चलो कम गो। कहना मानते हैं तेरा क्यों? हाँ राहुल तुम बाथरूम में थे, मेरे को बहुत डांट पड़ी, चलो तुम बैठ के समझाओ। तुम लेकर आए हो, तुमने मेरे को क्या कहते हैं सारे दुविधा में डाल दिया है। आ गई है मम्मी लड़की, कहाँ से आ गई है तू? मम्मी को देना लेना होगा ना पिछले जन्मों का किसी का, आप ही कहते हो अपने। नहीं वो बात तो सही है, अपने बच्चे भी तो पालो बेटा, तुम बच्चियों पे भी तो ध्यान दियो अपने, पहले बच्चे ने तो पूरा टाइम ध्यान देते ही है मम्मी, नहीं देते हो ठीक है, कोई पेरेंटिंग में कमी है हमारे? फिर भी इनके ऊपर भी तो टाइम लगता है ना, इसके ऊपर तो क्या हो गया, छह बच्चे आप सोच लो, मन्नी को दो बार ट्विंस हो गए, चार। तुम्हें शर्म नहीं है मेरे को कैसे स्पॉट में डाल रहे हो? तुम लेकर तुम आए, बिना बताए तुमने लेकर आए, यहाँ पे तुम मेरे नाम का कलेश फाड़ रहे हो। अरे मम्मी पता है क्या है ये, पता है किस लिए, ये ना जे ना बड़ा हो रहा है। हाँ। देखो शिवाय ने तो डेवलपमेंट देख ली थी बब्जी और लेडी ऑली की, जे को अब समझ आ गई है, उसे कंपेनियन मिल जाएगा इसलिए। अरे लेडी ऑली, अरे इसको एक बार मिलवा दे, मिलवा दे। पार्को का खतरा अभी यार, ये तो घूमती है नलायक पार्को में। नहीं नहीं मैंने पूरा साफ करके है, दोबारा कॉल करो। किसे कॉल करूं? ये क्या ये ऑली, लेडी ऑली चलो चले कम चलो। ये इससे मिलने के लिए एक्साइट हो रही है या मेरे लिए पोसेसिव हो रही है? दो बातें दोनों हो सकती हैं, हो सकती है ना। चले पप्पे ओला चलो कम बेटा, तू कहां जा रही है? तू बैठेगी यहीं पे, चलो इनको ना जरा बाहर वेरांडे में बांध दो। ठीक है तब तक हम ना जरा मम्मी को कन्विंस कर लो कि भाई सब ठीक है, आगे करके ना फिर आराम से आती हूं। तुम ना वैसे मैंने देखा राहुल एंड मोमेंट में ना टॉयलेट करने भाग जाते हो मेरे को फंसा कर, तुम्हें पता था ना तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे? मुझे नहीं, झूठ मत बोलो। नहीं मुझे नहीं पता था, उनको बताया था? नहीं हम तो वैसे ही आ गए, हमने कहा जरा नीचे बच्चों को देख आए, सामू के पता उसी यार लेके रखा हुआ है वो। नहीं ओए ओए बड़े बब्बे देख ना पप्पी का रिएक्शन, देखो कौन मेरा बच्चा, कौन ये डॉग? तो
कौन? छोटा जेजू। जेजू 3 घंटे सोया। अच्छा सोया था आपके पास। हाँ, आपके घर पे तो खुश रहते। शैतानिया भी मेरे ख्याल से कम करता है ना। ठीक है अब नहीं बेटा पकड़ो इसे पकड़ के रखो मम्मी बस ऐसे काट लेगा। मम्मी आपने तो कितने कितने डॉग्स पाले आप कैसे डर रहे हो? लेकिन अब हम बूढ़े हो गए हैं ना बेटे अब हमारे में जान नहीं। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी सासू माँ कहाँ से बूढ़ी लग रही है जरा मम्मी स्माइल करके दिखाओ ना। बताओ हमारी सुनीता रानी कहाँ से बूढ़ी लग रही है? बूढ़ी हो गई हूँ अब इतनी उम्र हो गई है। मेरा बच्चू एक दांत मिसिंग है। तो दांत लगवा लो ना कितने टाइम से तेरा हम कह रहा है। लगवाया था फिर छोड़ आई कहीं शादी में गई थी वहाँ छोड़ आई। कैसे छोड़ा है निकाल लिया था शादी में? नहीं वो खाते हुए निकल आया मैंने टिश्यू पेपर में वहाँ पे रख दिया उठा के ले गया। कौन बेटा ये क्या है बेटा? अरे राहुल सुनो अभी बच्ची बहुत छोटी है यार। मैं तो मम्मी को बोल रहा हूँ पकड़ लो। ओला तेरा वेट पता है कितना है? बस सिट कितना है? बड़ा भारी है। मेरे को इसके भारीपन से ज्यादा इसकी लंबाई बहुत पसंद है। लड़की लौंडी हमारी लंबी है। ओला इसको पार्क में डालते हैं सुबह? डालते नहीं ले जाते हैं पापा सामने। पूरी सैर करती है। लॉक खोल देते हैं। हाँ और क्या हमारे लोग पूछते हैं तुम्हारे बाप का पार्क है? तुम लोग दो दो रॉटवाइलर्स को बिना पट्टे के पार्क? हम कहते हैं हाँ हमारे पापा विधायक हैं। पापा जी विधायक है हमारे। टॉय 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 आपका क्या कहना है? अच्छा किया कि लाए हैं कि नहीं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं तो आप समझा दो ना मम्मी को। अरे तुम दोनों की मेरे को मेरा प्यार नहीं बटेगा भाई तुम्हारे लिए। मेरा प्यार नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा? तुमने तो पहली बार दी। तुमने कहा थोड़े दिन अब ये लोग रहेंगे बालकनी के अंदर और जोई रहेगी घर में जब तक पार्को का खतरा नहीं टलता। तुमने तो बेचारों को भरी गर्मी में घर से निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस में रखता हूँ मैं साथ में अपने एसी में। ऐसे तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने अबैंडन कर दिया। ये बात तो लालचन मेरे पर। मम्मी आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे ये बोला कि हमने तुम्हें घर से इसलिए निकाला था क्योंकि तुम्हारे दो दो बड़े बड़े कुत्ते थे। मम्मी सच में आपने हमें इसीलिए बताया था घर से? भाई पानी पी लो। मैंने इसलिए शिफ्ट करवाया था। तुम घर छोटा पड़ रहा था ये देखो घर छोटा। तो इतने बड़े बड़ों को भी तो जगह चाहिए घूमने की और हमारे रूम में सोता था ये। अभी क्या देखती जाएगी क्या जोई को? गाइस ये देखना देखी जा रही है। हाँ कौन आया है? बहने ओ सीता और गीता देखना बहने आ गई। राहुल बहने बहने सीता शरीफ वाली कौन है बताओ और गीता कौन है मंचली? अभी कोई नहीं यार पता नहीं मुझे लगता है कि वो शरीफ निकलेगी। मुझे नहीं लगता नहीं? आज जो इसने गाड़ी में मेरे को नाखून मारे है ना मेरे ना सारे हाथों पे ना नाखून ही नाखून है। हाँ मम्मी बड़ी जोर से मारती है। अच्छा हुआ पूरी बाजू की कमी नहीं है। बड़े पॉइंटेड है नहीं मैच कट करा के इससे पहले तो ब्लेड से ब्लेड पापा अपने नाम नाखून देखने लग गए कि मेरे नाखून के चलो चलो मैं इनको लेके जा रहा हूं। तो इनको बाहर लेके जा रहा हूं तो मम्मी से बात। मम्मी ने ना जैसे ही बोला ना उसकी पॉइंटेड नाखून ने पापा ने अपने देखने लग गए ऐसे करके। पापा ने आज काटे नहीं आज ही नहीं काटे। चलो 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 तो अब नाराज तो नहीं होना जैसे बब्जी ओली के टाइम पे हुए थे? ठीक है अब ले आए हो तो गुजारा तो करना ही है ना। पक्का मैं जा रहा हूँ। चल मैं घुमा के ला रहा हूँ तुम इन्हें घुमा लो। वो कहाँ जोई? अच्छा वो तो ये थी ठीक है बैठी हुई है दादी के साथ। हाँ। तो अभी मैं इसको घुमा के लेके आया तो मुझे ऐसा लगा कि ना ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम अपने घर के अंदर ना कौन सा एक नया मेंबर लेके आए हो क्योंकि जहाँ पे कल उसने सुसु किया था घर के बरांडे में तो ये वहाँ पे जाके ना सेफ करके ना शक्ल बना के ना मुझे ऐसे कह रहा है कि मतलब शिकायत कर रहा है कि तुम क्यों लेके आए हो तुम्हें क्या लोड थी। पर इवेंचुअली ऐसे ही लेडी ऑली के टाइम पे भी हुआ था और धीरे धीरे इनका एक पैक बन जाएगा और ये सारे एक अच्छी हैप्पी फैमिली रहेंगे है ना। और लेडी ऑली के साथ जो बब्जी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे डली हुई है एक साल पहले। एक साल पहले अगर आप देखोगे तो लेडी ऑली को जब हमने इंट्रोड्यूस किया था बब्जी से वो भी आप देख सकते हो पीछे जाके देखिए ब्लॉग्स के अंदर ठीक है और उसमें देखिए कितना चेंज था इस टाइम। क्यों रो रहा है? तो ना जीजू का ना सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड ये जब रोना हो ना इसको ऐसी ना जमीनों पे लेट जाता है। वो देख जोई आ गई तेरे को मनाने। जोई हाँ क्या हुआ? नीनी खुल गई। जोई ने इसके ऊपर चढ़ के ना इसको चाटना शुरू कर दिया शिवाय को और इसकी नींद खोल दी। वैसे बेचारा ना सोता कम है दोपहर को। जाओ दादू बुला रहे हैं उसकी ना नींद ही पूरी नहीं है। आ रही हूँ मेरा बच्चों। तो गाइस इस व्लॉग को मैं फिलहाल यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा शिबू इसको मेरी जरूरत आन पड़ी है। तो
तो थोड़ी देर में मैं इसको प्यार करूंगी। देखो माँ तो मैं क्यों ना, सबसे पहले ये मेरा पहला बच्चा है, फर्स्ट बॉर्न। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी फैमिली जे, शिब्बू, ओली, बब्जी और जोई पसंद आ रहे, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।